जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करें ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? ओके, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है लाइक एट फर्स्ट प्लेट आप प्लेस सॉरी आप किसी बात को लेके मे बी हो सकता है यू विल बी फीलिंग कंटेंट, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यस, थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। सॉरी, मे बी हो सकता है किसी की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है कोई आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और वेटिंग फॉर समबडी, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कुछ के लिए हो सकता है लाइक यू आर मैरिड, यू आर हैप्पी और यू हैव किड्स, राइट, अ कंप्लीट फैमिली। लेकिन इन दिस थिंग मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, कहीं आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू आर बाउंड, यू आर जगलिंग, राइट। और मे बी हो सकता है एक हॉल्ट पे है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं आपकी फैमिली लाइफ में, मे बी लव लाइफ में, एंड यू आर वेटिंग फॉर समबडी हियर, या यू हैव लाइक इमोशंस फॉर समबडी ऑल्सो, कुछ ये भी हो सकता है। यू आर लाइक अपार्ट फ्रॉम योर मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग्स फॉर समबडी और मे बी वेटिंग फॉर समबडी। नाउ मून इज़ अबाउट बींग साइलेंट, राइट, या मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, या मे बी हो सकता है कि आप अट्रैक्टेड हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइक बींग रिफ्यूज्ड, या कोई आपको रिफ्यूज़ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है विद द फोर ऑफ कप्स, या आप किसी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई आपको वाइस वर्सा, यू कैन चेंज, यू कैन स्विच द रोल्स। लेकिन डेफिनेटली जगलिंग चल रही है यहाँ पे। यस, इट्स अबाउट, मे बी हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बोला कि देयर इज़ थर्ड पर्सन, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप बाउंड हैं। मे बी हो सकता है कि आप की लाइफ में ये पर्सन है। देखिए, यस डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बोला कि कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो जिनके साथ आप हो सकता है डील कर रहे हो, या जिनकी वजह से आप वरिड हो, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ी सी आपको टेंशन है, थोड़ा सा आपको लाइक रिलैक्स्ड नहीं फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, और मे बी हो सकता है कि लाइक देखिए, आई एम गेटिंग टू स्टोरीज हियर। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी शादी को लेके लाइक कुछ लोग हैं जो अपनी लाइक शादीशुदा लाइफ को हो सकता है कि मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मे बी हो सकता है कि आपको इस पर्सन से लाइक सुनने को मिले। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ब्रेड क्रमिंग, आप किसी को लाइक मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, या मे बी हो सकता है यू लाइक समबडी, राइट, एंड इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है लाइक दे आर लाइक वो कभी कभी आपसे बात करते हैं, कभी कभी से लाइक व्हेन दे मीट यू, यू फील वेरी हैप्पी, राइट। लाइक वो टोटली आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है लाइक आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको चेस करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट ये जो पर्सन है लाइक वंस इन अ वाइल हो सकता है कि दे शो यू आप, वंस इन अ वाइल हो सकता है आपको मिलते हो, या मे बी हो सकता है कि आपसे बात करते हो एंड देन दे आर गॉन। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही है फॉर यू एक्वेरियस, एक्वेरियस पीपल। जगलिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर वेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है पेजेस पेजेस में भी हो सकता है लाइक देयर इज़ ऑल्सो समबडी एल्स, जैसा कि मैंने बोला यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, या मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम
पर्सन या आपको किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है आप एक अपनी लाइफ में एक फ्रेशनेस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक लाइक कुछ नयापन आए, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें हैं। यस, समबडी इज़ अ प्लेयर, मैं आपको पहले ही बता दूँ आपकी जो रिलेशनशिप में ये जो पर्सन है, यस ये आपकी तरफ आते हैं जब इनका मन करे, राइट। प्लेयर एनर्जी में है, समबडी इज इन स्पॉटलाइट, मे बी आप ऐसे आपका लाइक हो सकता है नेचर ऐसा हो, या मे बी हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं हो सकता है कि वो पर्सन है और उनका नेचर ऐसा है लाइक अ फ्लर्ट, लाइक सॉरी टू से दैट बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, राइट। एंड दे आर लाइक बहुत ज़्यादा लाइक लोगों की उनको अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन सीकर, राइट। और बहुत सारे लोग उनको लाइक मतलब मिलना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। नाउ आई डोंट नो कि आपको किस वे में मैच करता है, बट यस ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली समबडी इज अ प्लेयर, राइट। और उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं। नाउ प्लेयर से मेरा मतलब है लाइक नॉट अ स्टेबल फीलिंग्स, राइट। स्टेबल फीलिंग्स नहीं है इसमें, इस पर्सन के मन में, जस्ट लाइक फिजिकली अट्रैक्शन एंड ऑल दैट, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, मे भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि आप यू आर लाइक वेटिंग फॉर आई डोंट नो फॉर अ चेंज, वेटिंग फॉर समथिंग, थिंग्स आर लाइक हो सकता है आपको चीज़ें उस तरीके से अच्छी नहीं चल रही हैं जैसा आप सोच रहे हैं, और आपको लगता है कि यस आप ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, टू मेनी स्टोरीज, टू मेनी पीपल मुझे आप लोगों की स्टोरी में हमेशा दिखाई देते हैं, अगर आप रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। नाउ यस ये पर्सन आपकी तरफ आई थिंक फिर से दोबारा से आएंगे, कनेक्ट करेंगे, या मे बी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है लाइक समबडी इज़ इन अ प्लेयर एनर्जी, एंड आप मे बी हो सकता है स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यस समथिंग स्टेबल। बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, बहुत सारे हो सकता है आपकी लाइफ में हो, इस पर्सन की लाइफ में हो। ओके, अगर बात करें आपके करियर की, अगेन मे भी हो सकता है कि आप कुछ बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कुछ काम है, या मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम लाइक आप उसमें हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टार्ट किया है आपने, या ओवरऑल अगर आपका कोई भी काम है उसमें आप लाइक यू आर फीलिंग गुड, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि येस किसी के साथ कुछ मिल के काम कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मुझे लग रहा है एक्वेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप हार्ड वर्कर हैं, या यूँ कह लीजिए कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं आप, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ और भी स्टार्ट करूँ सो दैट आप स्टेबिलिटी ला सकें अपने करियर में। और यस मे भी हो सकता है देयर इज़ लाइक सम थिंग्स आर आपके दिमाग में बहुत सारा आइडियाज़ आ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपको लगता है कि कभी कभी आपके दिमाग ओवर रन करता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड समथिंग सडन, या मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर, या मे भी हो सकता है वेट कर रहे हो फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, फाइट कर रहे हैं, यू आर अ फाइटर, मे भी हो सकता है कि आप यस चेंज इज ऑल्सो कमिंग, और आप अपनी स्टेबिलिटी पे लाइक मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑलवेज अप, वेरी डिटरमाइंड आई मस्ट से, और उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिफ्यूजल आपकी तरफ से या किसी की तरफ से, आई डोंट नो वॉट इट इज़ अबाउट, मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ लाइक रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो लाइक हो सकता है कोई आपके साथ मिल के काम करना चाहता हो, मे बी हो सकता है कि आप आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ लाइक फोर ऑफ कप्स इज अबाउट मिसिंग अपॉर्चुनिटी, या मे बी हो सकता है नॉट पेइंग अटेंशन किसी चीज़ पे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, बट नेवर माइंड मुझे कुछ नया भी दिखाई दे रहा है, यू आर लाइक मूविंग विक्ट्री, लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, न्यू विजन, आपको नया विजन रखने की ज़रूरत है। देखिए एक्वेरियस पीपल इट्स ऑल अप टू यू, मेरा काम है रीडिंग बताना, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ, राइट। इट्स अबाउट लाइक अगेन वी हैव पेज ऑफ कप्स,
तो आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप मिस कर देंगे, आप मिस कर देंगे, आई डोंट नो वाई देयर इज समथिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है. आई डोंट नो इन विच एस्पेक्ट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा हो, सकता है आपकी करियर के हवाले से ऐसा चल रहा हो, लेकिन मैं आपको एक यही बोलूँगी, सेम कार्ड्स हमारे पास लास्ट टाइम भी ये कार्ड आया था, मैं आपको अगेन यही बोलूँगी फॉर ऑल द क्वेरियस पीपल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में जद्दोजहद चल रही है, आपको लग रहा है यू विल मिस इट, ट्रेन है शायद भाग जाएगी, आई डोंट नो, ये वाली फीलिंग शायद है जो आपको कैच कर रही है, या आप ये हमेशा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, आप कुछ ना कुछ लाइक जैसे कहते हैं ना कुछ ग्रैब करके रखना चाहते हैं, लाइक आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, या दिस एंड दैट, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फियर, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, लूजिंग अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, डोंट वरी, या स्लिपिंग अवे फ्रॉम हैंड्स, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, राइट. काम रहिए, कंपोज रहिए, स्टेबल रहिए, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करियर वाइज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आपकी अगर इट्स अबाउट योर लव लाइफ, एक नया विजन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है, मैं आपको बार बार ज़रूर बोलूंगी, मे बी हो सकता है यू आर टाइड डाउन, मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एक नए सोच की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, जैसे भी रिलेट कर रहे हैं आप, जैसा भी आपको इसमें मैसेज दिखे, लेकिन इट्स अबाउट कि एक नया विजन सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक वो जो कहते हैं ना, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा किसी चीज़ में, या मे भी हो सकता है किसी पर्सन के लिए अगर आप अपने आप को गिरा रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट, आगे बढ़िए, राइट. एंड जब आप अपने आप को तराशेंगे, जब आप एक नया नई सोच, एक नया विजन रखेंगे, तो आपके लिए एक नया स्काई है आगे. What I mean to say is कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको छोड़िए और आगे निकल जाइए, नो, पीपल हो सकता है कुछ लोग इसको गलत समझ लें, मैं ये कह रही हूँ कि मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके लाइक ओवर पोजेसिव या ओवर बर्डन हो रहे हैं, सो डोंट, लेट गो कीजिए, एक नया विजन क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ हो या जो भी हो, या एक्स वाई जेड, या आपकी कोई भी यू कह लीजिए कि आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, राइट, एक नया विजन, एक नया बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, राइट. करियर वाइज तो मुझे ओवरऑल बहुत लाइक ठीक दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप अभी नहीं तो आगे चल के हो जाएगा, राइट. तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए. एंड यस, हमें एक मैसेज भी मिल गया है, सो ये वुमन हो सकता है कि समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, मे बी न्यू अपॉर्चुनिटीज, सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय.